हेलो एवरी वन माई ने बी सतियाज जानब एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल बेस्ट एक्सप्लानीशन पॉइंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ लेसन एंड टाइटल सो वॉट आर यू एनी वे बाई लॉरेंस हिल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द चैप्टर थीम कहते हैं सब्जेक्ट को यानी लॉरेंस हिल ने ये जो चैप्टर लिखा है जो स्टोरी लिखी है इसका मेन सब्जेक्ट क्या है किस सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने स्टोरी लिखी है राइट तो मेन थीम है इसमें रेसिज्म रेसिज्म कहते हैं जातिवाद को अब ये जातिवाद क्या होता है जब कभी कोई इंसान ख़ुद को बेहतर समझता है दूसरों से किसी भी चीज़ को लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत सुंदर हूँ बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं किसी भी अगले इंसान को कोई भी बदसूरत इंसान या किसी का भी कलर अगर डिम होता है या कोई ब्लैक कलर का होता है तो मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती फ़ॉर एग्ज़ाम्पल तो मेरे अंदर क्या पाया जाता है रेसिज्म सिमिलरली अगर मैं पंडित हूँ या मैं सैद हूँ और अपने से नीचे कास्ट के लोगों को मैं बेहतर नहीं समझती हूँ अपने को ज़्यादा बेहतर समझती हूँ तो मेरे अंदर क्या पाया जा रहा है रेसिज्म राइट तो रेसिज्म का मतलब होता है एक तरीके का बिलीफ दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन अदर्स और ये जो बिलीफ होता है ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है यानी अगर कोई इंसान अपने को बेहतर समझ रहा है किसी भी चीज़ में जैसे मान लीजिए रिलीजन में कि मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है दूसरों का बहुत बेकार रिलीजन है तो भी उसके अंदर वो रेसिज्म पाया जा रहा है ओके okay? कलर से लेकर मनी को लेकर यानी किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई इंसान अपने को बेहतर समझ रहा है तो दैट मीन्स उसमें रेसिज्म पाया जाता है राइट right? तो जिसके अंदर भी ये रेसिज्म पाया जाता है इस रेसिज्म की वजह से दूसरे लोग कितना सफ़र करते हैं ये दिखाया है लॉरेंस हिल ने अपने इस स्टोरी में राइट right? अब इससे पहले कि मैं स्टोरी वर्ड पे वर्ड एक्सप्लेन करूँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि लॉरेंस हिल एक कैनेडियन नॉवलिस्ट रहे ठीक है थीके? तो कैनेडा में इन्होंने बहुत कुछ फेस किया था रेसिज्म को लेकर एक्चुअली इनके खुद के फादर ब्लैक थे और मादर यू नो वाइट थी तो उस वक्त काफ़ी लोगों को ये बात हज़म नहीं होती थी कि कैसे एक ब्लैक वुमेन और वाइट मैन साथ रह सकते हैं या शादी कर सकते हैं या फिर वाइट वुमेन एंड ब्लैक मैन साथ रह सकते हैं तो भाई ऐसे ही कुछ है आपके चैप्टर सो व्हाट आर यू एनी में इसमें एक यंग गर्ल है जिसका नाम है कैरल मेन कैरेक्टर है सॉरी उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है शी इज अ प्रोटैगनिस्ट ये यंग गर्ल कैरल जा रही है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बाय एयर तो ये एरोप्लेन में बोर्ड हो चुकी है इसके पेरेंट्स ड्रॉप करने आए हैं इसको विंडो सीट पर ये बैठ चुकी है अकेले सफर करी इसके हाथ पे एक डॉल है तो हाथ में डॉल है से आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा मेच्योर गर्ल नहीं दिखाई गई है यंग गर्ल है आपको ये पता होगा कि फ्लाइट में तीन तरीके की सीट्स होती हैं एक तो विंडो सीट होती है एक मिडिल सीट होती है और एक आइल सीट होती है आइल सीट क्यों बोलते हैं क्योंकि इधर की जो सीट्स होती है और इस तरफ की जो सीट्स होती हैं उसके बीच का जो एरिया होता है जहाँ पर आप यू कैन वॉक राइट तो उसको कहते हैं आइल एरिया तो इस वजह से आइल एरिया के पास वाली सीट को बोला जाता है आइल सीट तो वाई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज ये जो यंग गर्ल कैरल है जो कि विंडो सीट पे बैठी हुई है इसके जो नेक्स्ट सीट्स हैं मिडिल सीट एंड आयल सीट इस पर एक नॉर्टन फैमिली बैठी हुई है और उस फैमिली में केवल हस्बैंड वाइफ हैं हस्बैंड का नाम है हेनरी नॉर्टन और वाइफ का नाम है बेटी नॉर्टन तो यंग कैरल का सफ़र शुरू होता है एरोप्लन टेक ऑफ करता है हेनरी नॉर्टन की निगाह पड़ती है कैरल की डॉल पर जो कि ब्लैक कलर की होती है तो जनरली डॉल्स का कलर वाइट होता है तो हेनरी डॉल को देख कर बड़ा अजीब लगता है कि डॉल कैसे ब्लैक हो सकती है बस उसके अंदर रिसिजम वाली फीलिंग थी तो वो लेट डाउन करने के लिए एक मज़ाक बनाने के लिए बार बार कैरल से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा रेस क्या है लेकिन किसी से आप डायरेक्टली उसका रेस नहीं पूछ सकते फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ सफ़र कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मुस्लिम का नहीं खाते हो डायरेक्टली आप उससे पूछ लो आप मुस्लिम तो नहीं है या कोई मुस्लिम है जो हिंदू का नहीं खाता है वो डायरेक्टली उससे पूछ ले कि आप हिंदू तो नहीं है तो बुरा लगेगा राइट तो इस तरीके से किसी का रेस पूछना कितना गलत बात है राइट तो इस तरीके से हेनरी नोटन डायरेक्टली तो नहीं पूछ पाता है कि भाई तुम्हारा रेस क्या है ये तुम कैसे ब्लैक कलर की डॉल लिए हो ना उसके कोई पेरेंट्स दिख रहे थे वो अकेले सफ़र कर रही थी तो वही इन लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कि इसका रेस क्या है मतलब इसकी जो मदर हैं वो कहाँ की हैं फादर कहाँ के हैं तो डायरेक्ट ना पूछ कर सीधे ये पूछता है सो वॉट आर यू तुम क्या हो तो वॉट आर यू जो चैप्टर का नेम है वो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि ये जो नॉटर्न फैमिली है डायरेक्टली कैरुल का रेस पूछना चाह रही है तो आपसे एक क्वेश्चन भी आया है कि यहाँ पर लॉरेंस हिल ने हु का यूज़ क्यों नहीं किया है वर्ड का यूज़ क्यों किया है बिकॉज़ हमें किसी से कुछ पूछना होता है हु आर यू सो सेंस ले सकते हैं कि हम कि हमसे हमारा प्रोफेशन पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं एम अ डॉक्टर एम अ टीचर राइट सो वॉट आर यू का मतलब ऐसा हो गया कि आप सामने वाले को इनह्यूमन समझ रहे हो एनिमल समझ रहे हो आप सो so, क्योंकि वर्ड वगैरह तो हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वॉट इज़ दिस दिस इज़ द बैट ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं दिस इज अ कैट दिस इज़ द डॉग आर यू अंडरस्टैंडिंग सो वॉट आर यू एनी वे जो आपका टाइटल है ना ये खुद ही दिखाता है रेसिज्म को ये एक क्वेश्चन था जिसको हेनरी नोटन ने पूछा था इस कैरल से तो कैरल को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज़ वो बहुत यंग थी उसे नहीं समझ में आया कि ये रेस क्या होता है रेसिज्म क्या होता है मेरी रेस ये पूछ क्यों रहे हैं इन्हें क्या मजा मिलेगा पूछने का उसे कुछ नहीं पता था तो वो अलग अलग तरीके से जवाब देती है लेकिन इन लोगों को आंसर नहीं मिल पाता है कि वाकई इसका रेस क्या है तो काफ़ी देर तक तो ये कैरल आंसर करती रहती है हस्बैंड वाइफ को लेकिन एक टाइम होता है कि ये खिसी आ जाती है फ्रस्ट्रेट हो जाती है कहती है आपको डायरेक्टली पूछना था तो आप डायरेक्टली पूछते ना कि मेरे फादर निग्रो है या नहीं है येस माई फादर इज़ अ निग्रो निग्रो कहते हैं ब्लैक पर्सन को यानी आपको मेरे फादर का कलर पूछना था तो आपको पहले क्यों नहीं पूछा आप इतना घुमा क्यों रहे हैं बात को तो खिस आ जाती है और चिल्लाने लगती है जैसे ही वो चिल्लाती है तो बाकी सब पैसेंजर्स भी देखने लगते हैं और प्लेन की जो टू एडर्स होती है उस टू कहते हैं वुमेन हु लुक्स आफ्टर द पैसेंजर्स तो वो बुला लेती है अपने पास कि तुम तो मेरे पास आके बैठो मैं तुम्हें ड्रिंक ला देती हूँ तो श्योरली टेम्पल नाम का ड्रिंक उसको पिलाती है उसको अप करती है चिल करती है और यहीं पर आपकी स्टोरी एंड हो जाती है तो इस वीडियो में मैंने केवल समरी को कवर किया क्योंकि कुछ बच्चे केवल समरी जानना चाहते हैं उनको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन की नहीं पड़ी होती तो फॉर दोज आई हैव मेड दिस वीडियो But very soon, I am going to upload word by word explanation also for this chapter. So, till I come with my new video, keep loving my channel, keep watching it. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.